द्रव्यमान कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो कोई भी यौगिक है, कोई भी अणु है, उसका आणविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। तो यदि हमें परमाणु द्रव्यमान पता है तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो अणु में जितने भी तत्व हैं उनके हरेक के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या का गुणा कर लेते हैं और सबको जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथेन का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैथेन में देखें तो कार्बन एक है और हाइड्रोजन चार है। तो कैसे ज्ञात करेंगे अपन, तो कार्बन एक है तो एक लिखा, गुणा करेंगे कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12। यहां पर यू लिखा है, यू का अर्थ है परमाणु द्रव्यमान इकाई, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। फिर हम धन का चिन्ह लगाएंगे और चार लिखेंगे। यहां पर चार किसके लिए लिखा, हाइड्रोजन की संख्या और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, उसमें गुणा करके लिखेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, एक। तो चार गुणे थे कितना हुआ, चार। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 16U। तो ये क्या आ गया, मैथेन का आणविक द्रव्यमान। तो मैथेन का आणविक द्रव्यमान कितना हुआ यहां पर, 16। अब जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, दो, तो हमने दो लिखा। फिर गुणा करेंगे हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान से, तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, एक। तो कितना हुआ, 2×1। प्लस लिखेंगे हम एक, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन कितनी है, एक, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो एक गुणित 16 कितना हुआ, 16। और दो हाइड्रोजन के लिए था तो कितने हो जाएंगे यहां पर, 18। तो H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होगा यहां पर, 18। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। यहां पर हाइड्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है और ऑक्सीजन यहां पे तीन है। तो एक गुणित हाइड्रोजन का द्रव्यमान, एक गुणित नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान और तीन गुणित ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। एक गुणा एक हाइड्रोजन के लिए हो गया, 1×14 नाइट्रोजन के लिए हो गया और 3×16 ऑक्सीजन के लिए हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहां पर, 3, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो कितना हो जाएगा यहां पर, 1+14+48 तो बराबर कितना हो जाएगा, 63। तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 63। तो आप अपनी किताब में जितने भी यौगिक के नाम दिए हों सबके आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको उनका परमाणु द्रव्यमान पता है तो आप जरूर आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। तो सूत्र द्रव्यमान भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया था। बस अंतर कितना सा आएगा कि कोई पदार्थ है उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग कब करते हैं, जब उसके संघटक क्या हो, आयन। तो अंतर बस इतना आएगा कि यहां पर जो भी यौगिक होगा वो आयनिक यौगिक होगा और उसके संघटक इकाई क्या होंगी, आयन होंगे। जैसे अभी हम यहां पर देख रहे हैं NaCl में Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है। तो सोडियम क्लोराइड का इकाई सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करा लेते हैं। तो सोडियम यहां पर कितने हैं, एक, गुणा सोडियम परमाणु का द्रव्यमान। तो सोडियम परमाणु का द्रव्यमान होता है 23 प्लस एक लिखेंगे हम क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन भी एक है और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। तो कितना हो जाएगा NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान, 58.5। कैल्शियम क्लोराइड का भी ज्ञात कर लेंगे। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2। यहां पर एक कैल्शियम है, क्लोरीन दो है, तो एक गुणित कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान प्लस 2× क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान, तो 1×40। तो एक किसके लिए लिखा है, कैल्शियम की संख्या के लिए लिखा है और 40 यहां पर क्या है,
कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, और दो लिखा है हमने क्लोरीन की संख्या के लिए, और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5, तो 40 प्लस 71, तो 71 क्या हो गया क्लोरीन का हो गया द्रव्यमान हो गया, क्योंकि क्लोरीन यहां पर कितने हैं दो, तो टोटल कितना होगा 111 U। तो कैल्शियम क्लोराइड का हम बता सकते हैं कितना होगा, इकाई सूत्र द्रव्यमान 111।